और ये है 84 खंभों की छतरी बूंदी में। बूंदी से एकदम साथ ही देवपुरा है जहाँ पर यह छतरी आप पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, इसके 84 खंभे हैं और यह बनाई गई थी 1683 में राव राजा अनिरुद्ध द्वारा, और वो उन्होंने अपने भाई देवा के लिए बनाई थी। और अंदर अगर आप जाएंगे और हम जाएंगे आपको दिखाएंगे तो एक बीच में बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसके ऊपर जो ये पूरी छतरी बनी है उसके सपोर्ट के लिए ये जो 84 खंभे हैं। और अभी भी इसकी जो है काफ़ी अच्छी जो है स्थिति है उसकी, ज़्यादा टूट टाट नहीं हुई है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे अगर आप आके बैठें, जैसे हम बैठें तो यहाँ बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। वैसे उस तरफ खुले खेत हैं लेकिन यहाँ पेड़ है, अच्छी हवा चल रही है। आराम से आइए, शांति से बैठिए, हाईवे की आवाज़ से रश से दूर आइए और आराम करिए। बिल्कुल, मैंने अपने भाई के लिए एक बार समोसे बनाए थे, उसके बाद इतना टाइम लगा मैंने बनाए नहीं फिर कभी। और ये देखो लोगों ने अपने भाई के लिए क्या क्या बनाया हुआ है। देखो अगर मेरे को कुछ होगी तो क्या बनाएगा मेरे लिए? 84 समोसे, 84 बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू यार, और 84 रान। भाई साहब बूंदी में आ गए हम लोग, बूंदी के लड्डू, क्या बात है यार, पक्का इतना सब कुछ बनाएगा तू? हाँ? और खाएगा कौन? नहीं मतलब मैं बनाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे टोकने वाला कौन होगा? ये भी है, गुड पॉइंट है। कई लोग वो थे जी राजा महाराजा, और कई लोग ये है आजकल के लौंडे लफाड़े। नहीं पर आप लौंडे लफाड़े तो ठीक है, लेकिन जो आप अंदर जब जाएंगे और देखेंगे इतनी सुंदर शिल्पकारी है। और यहाँ पे हम 5-6 ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे मतलब इतना सुंदर स्कल्पचर है। तो ये सोचने की बात है कि पहले जो होता था लोगों के पास समय होता था, जो कारीगर थे जो मास्टर क्राफ्टमैन थे बड़ी शांति से बैठ के आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल महीम काम करते थे, क्योंकि उन्हें ये था कि हम जब चले जाएँ तो चाहे 50 साल बाद हो या 100 साल बाद हो, कोई अगर आके हमारा काम देखे तो कहेगा ये बहुत सुंदर जगह है। तो आप सब जो देख रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, याद रखिए ये आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑलवेज होती है कि ऐसा काम करें कि 100 साल 200 साल 500 साल भी बाद भी लोग कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वाह क्या बात है सर, ये तो आपने अकलबंदी की बात कर दी पहली बार ही। यस आई नो। तो ये जो 84 खंभे हैं ये आपको एक टाइम पे सारे एक जगह से नहीं दिखेंगे, तो आपको अलग अलग एंगल से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जाना पड़ेगा, तब जाके आप 84 खंभे गिन पाएंगे। लेकिन ये है बहुत खूबसूरत, और अब इसके आसपास जो है पूरा शहर बस गया है और यहाँ पर लोग आ गए, एक कॉलोनी बन गई यहाँ पर पूरी कॉलोनी। लेकिन ये जगह जो है दीवार से घिरी हुई है इसलिए अभी तक बची हुई है। तो जब आप ऐसी जगह आए तो टिकट ज़रूर खरीदें। एक तो हमने टिकट ले लिया, भाई साहब पीछे बैठे उनसे टिकट ले लिया, और दूसरा यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ ना मचाएं, इधर आके प्यार से इसे देखें शांति से और इसकी खूबसूरती की तारीफ करें। आइए चलिए और जाके देखें कितनी खूबसूरत है। Follow History TV 18 and Rocky and Mayur on these social media platforms for daily trip and updates.